अस्सलाम वालेकुम मैम, सादिया हियर फ्रॉम स्टेट लाइफ ब्रांच एंड DHA गाजी रोड ब्रांच, क्लास वन। बेटा ओपन योर साइंस रीडिंग बुक, ओपन पेज नंबर 11। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन डेट एंड डे, प्रोटेक्ट योर ईयर्स फ्रॉम साउंड डेट आर लाउड। ठीक है, वो कह रहा है अपने कानों की हिफाजत करें उन आवाज़ों से जो कि बहुत लाउड हों। डू नॉट स्टिक थिंग्स इन योर ईयर्स, कोई भी चीज़ अपने कानों पर ना लगाएँ। ठीक है, प्रोटेक्ट योर आइज़, अपनी आँखों की हिफाजत करें। नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, आपने सूरज की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना, आपने उसके लिए सन ग्लासेस यूज़ करनी है। ओके, कॉन्सेप्ट चेक, राइट द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ यूज फॉर ईच ऑफ द फाइव सेंसेस, लिसन ब्लो। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमें क्या समझ आई। चूज़ द वर्ड फ्रॉम इन फ्रॉम द बॉक्स। ओके, टेस्ट के लिए हम कौन सा अपना बॉडी पार्ट यूज़ करते हैं, तो हम किसे यूज़ करते हैं, टंग, TONGUE, ज़ुबान को। ठीक है, टच के लिए हम यूज़ करते हैं स्किन, यहाँ पे बेटे हैंड की ऑप्शन नहीं है। ओके, स्मेल के लिए हम चूज़ करते हैं नोज़, साइट देखने के लिए आइज, हेयरिंग मतलब सुनने के लिए ईयर्स, मूवमेंट हरकत, वी मूव इन डिफरेंट वेज, हम डिफरेंट तरीक़ों से मूव करते हैं। वी कैन रन, भागते हैं, जंप करते हैं, क्रॉल करते हैं, स्लाइड लेते हैं, वॉक करते हैं, रोल करते हैं एंड टर्न। ठीक है, वी कैन मूव मैनी पार्ट्स ऑफ आर बॉडी। हम जब हरकत कर रहे होते हैं तो हम अपने बहुत से बॉडी पार्ट्स को भी साथ साथ हिला रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, डिस्कस एंड आंसर्स, हाउ आर दीज चिल्ड्रन मूविंग, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर दे यूजिंग। ठीक है, ये किस तरह से मूव कर रहे हैं। नंबर वन, जैसे आप इस बच्चे को देखें तो इसने डॉग को पकड़ा हुआ है, किससे, हैंड से, ये अपने हैंड से उसको होल्ड किए हुए है, तो ये क्या यूज़ कर रहा है, हैंड, और किससे चल रहा है, फीट से, किससे वॉक कर रहा है, फीट से। ठीक है, नेक्स्ट ये जंपिंग कर रही है, ठीक है, और ये हैंड और फीट का इस्तेमाल कर रही है। नेक्स्ट ये भी अपना बैलेंस जो है वो रखने के लिए अपने फीट्स का ज़्यादा यूज़ कर रही है और थोड़ा सा हैंड्स का। इसी तरह आपने नेक्स्ट सारी पिक्चर्स को देख लेना है और रिव्यू कर लेना है। हेयर आर सम वर्ड टू यूज़ मूवमेंट हरकत के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं जो हमें ये वोकेबलरी में दिए गए हैं, रन भागना, पुश धक्का देना, स्विम चबाना, यौन, जैसे हमें कोई जमाई आती है तो वो यौन होता है, जंपिंग करना, सेम एज इट इज़। ये नेक्स्ट वर्ड आपने इनको रीड आउट कर लेना है। पार्ट्स, इनके लिए क्या पार्ट्स यूज़ होते हैं, आइज, चेस्ट, फिंगर, थंबिंग को बड़े अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, और इसको लर्न भी करना है इंशाल्लाह। जल्दी आपका ओरली टेस्ट भी लिया जाएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।